हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक, आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में स्काडा को कैसे ऑपरेट करते हैं ये जानने वाले हैं। मैं एसटीपी प्लांट में आया हूं कुडुलगी में, और वहां का एसटीपी प्लांट में जो स्काडा लगा उसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको स्काडा के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, फिर भी आप स्काडा को कैसे ऑपरेट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा अगर ये वीडियो पूरा आप देखते हैं तो। बहुत ईजी है वीडियो, देखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। और इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया है जिसमें बताया है स्काडा के बारे में कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर उसमें भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसमें जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, इस स्काडा को ऑपरेट करने के लिए स्काडा ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। अगर आप ऑपरेटर की नौकरी करना चाहते तो उसके लिए भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज होता तो आपको इजीली जॉब मिल सकता है स्काडा ऑपरेटर के लिए, क्योंकि आज के टाइम में एसटीपी का बहुत ही स्कोप है और बहुत ही सारा एसटीपी प्लांट बन रहा है। मैं खुद कितने सारा एसटीपी प्लांट बना चुका हूँ, जिसमें आप कई सारे वीडियो हमारे देखे होंगे अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, रेगुलर हमारे वीडियो देखते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये ओवरऑल सब पूरा स्काडा आपको दिख रहा है, और यहाँ से मॉनिटर किया जाता है देखते हुए कि क्या काम करना है, क्या चेंजेस करना है, कहाँ पे कौन सा किस पोजीशन में है, कौन सा मोटर्स है किस पोजीशन पे, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बता देता हूँ कि कौन सा चीज़ें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा, क्योंकि हमारा एसटीपी प्लांट के अंदर यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये होता है इन्फ्लुएंट, मतलब यहाँ पे इनलेट चैम्बर रहता है जो प्राइमरी यूनिट बोला जाता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें रहता है, जैसे मैकेनिकल स्किन रहता है, बेल्ट कन्वेयर रहता है, ऑर्गेनिक स्क्रैपर रहता है, कन्वेयर रहता है, ऑर्गेनिक पंप रहता है, ये सब चीज़ें प्राइमरी यूनिट में आपको दिया रहता है, ये सब चीज़ों का यूज होता है। फिर आप देखेंगे एक चीज़ तो यहाँ पे एरो मार्क भी दिया गया है, जो एरो मार्क का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आप देख सकते हैं और ये आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे आ जा रहा है और एक यहाँ पे आ गया है। देखिए, ये जो प्लांट है दो बेसिन का है, एक बेसिन ये है और एक बेसिन यह है, जैसे SBR1 और SBR2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दो बेसिन का है। और यहाँ से आप जा रहे हैं तो एक बेसिन में चले जा रहे हैं, जो हमारा सीवरेज आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आने के बाद से इस बीच में क्या पड़ रहा है, एक स्विच स्लाइस गेट लिख रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इनलेट गेट भी यहाँ पे मिल जाता है बोलने को। तो यहाँ पे जो पोजीशन पे रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉक है, यानी कि ये क्लोज पोजीशन में है। और यहाँ पे अगर कलर भी डिनोट कर रहा है, देखिए अभी रेड कर रहा है यानी कि ये क्लोज है, और ग्रीन टाइप का थोड़ा शो करता है यहाँ पे तो वो ओपन है। देखिए, हर प्लांट के लिए अलग अलग हो सकता है कलर कोडिंग, और अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं, पर फंक्शन सबका एक ही होता है, सबका डिजाइन दिया जाता है। जैसे स्काडा में सिंगल लाइन डायग्राम होता है, उस टाइप का दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से ये SBR बेसिन में आ जा रहा है, और SBR बेसिन में भी एक मोटर यहाँ पे दिया और एक मोटर यहाँ पे दिया गया। ठीक, SBR1 यहाँ पे लिखा भी है, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर, इसको SBR का फुल फॉर्म होता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या दिया है कि ये डिफ्यूजर होता है। मैं आपको और सब बातें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मोटर के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत डीपली है, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ों के अंदर में समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये रास पंप का है। अगर यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अभी क्या हो रहा है, ये स्टॉप पोजीशन में है, और इस यही कलर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो दिया गया ये ग्रीन कलर का दिया गया, जब स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रीन यहाँ पे शो करने लगेगा, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ग्रीन है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे वाश पंप है। ठीक है, ये गेट का है और ये मोटर का यहाँ पे दिया गया है। अब ये हो गया बेसिन के अंदर, और इस बेसिन के अंदर भी बहुत सारा स्टेप होता है, तो ये कलर भी चेंज हो सकता है, ये यहाँ पे चेंज करते हुए मैं लिख देगा कि अभी कौन सा स्टेप चल रहा है। ये सब देखने के लिए इस बेसिन में क्या स्टेप चल रहा है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे SBR1 का दिया है, तो इसमें अगर मान लीजिए एरिएटेड दिखा रहा है, एरिएटेड हमारे बेसिन में चल रहा है, तो ये एरिएटेड का यहाँ पे कलर कोडिंग चलते रहेगा, या एक एरो मार्क के जैसे चलते रहेगा। हर प्लांट का अलग अलग रहता है। अगर यहाँ पे कलर दिया रहेगा तो ये कलर का एक यहाँ पे से चलते रहेगा, अगर यहाँ पे एरो मार्क दिया रहेगा तो एरो मार्क यहाँ से चलते रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके बीच तक जो भी रहेगा ये एरिएटेशन चलेगा, यहाँ के बीच में रहेगा वो सेटर चलेगा, और यहाँ के बीच में जो रहेगा वो डिकेंडिंग चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो ये बेसिन में होगा वही सेम इस बेसिन में भी होगा। अब इस बेसिन के अंदर आप देख सकते हैं कि सीवरेज को इंटेक जो है, ये जो KLD प्रतिहर्ष में क्या स्पीड से इनफ्लो है वो है यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे लेबर जो है SBR के अंदर में
वो कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है, और डीओ क्या है ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब तो ये बेसिन हो गया और इनलेट का साइड का हो गया। अब हमारा यहाँ पे यूनिट आ जाता है इलेक्ट्रिकली। अब इलेक्ट्रिकली अपडेट कराने के लिए यहाँ पे एयर ब्लोअर 1, 2 और 3 दिया गया है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हर्ट्ज दिया है, ये VFD अगर आप स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आप फील कर सकते हैं, कितने फ्रिक्वेंसी पे आप स्टार्टर को ऑपरेट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल के चला सकते हैं। देखिए अब यहाँ इस लाइन में अगर देखेंगे, ये तीनों ब्लोअर में एक लाइन दिया है, ये एयर लाइन होता है जो यहाँ पे आ गया है, जो यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, एयर लाइन। और एयर लाइन में भी कुछ चीजें रहता है जो हमें जानना चाहिए, जैसे में यहाँ पे देखेंगे एयर बल्ब रहता है और यहाँ पे भी एयर बल्ब है, ठीक है। आप इस चीजों का देखिए, जो ये लाइन ये निकल रहा है ये कॉमन भी हो रहा है, तो ऐसा ही फील्ड में भी एयर लाइन आपको दिखेगा, ये कॉमन लाइन दिखेगा, ये सब कुछ आपको दिखेगा। सारा जो भी आपके प्लांट में जैसा भी डिजाइन होगा, जो चीज के एयर लाइन का हो तो एयर लाइन का, सलज लाइन का हो तो सलज लाइन का, जिसका भी लाइन होगा वो सब कुछ जैसे यहाँ पे दिखा है वैसे ही आपको फील्ड में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है बातें जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपको कलर कोडिंग और यहाँ पे ओपन है कि क्लोज है वैसे बता देगा। जैसे मैं ये देखिए, ये क्या है कि क्लोज है, यहाँ पे आप चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ऐसे चेंज या लॉक साइड नहीं लगा हुआ है, पर यहाँ पे देखेंगे ये लॉक लगा है, यानी कि ये क्लोज है और यहाँ पे क्या है, ओपन है। ये सब कलर कोडिंग का होता है खेल, आप क्या जो भी स्काटा डिजाइन किया गया वो किस कलर में किया गया, क्या किया गया, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद से इस चीज़ों को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे भी दिया है ऑटो, इनिशियल मोड, ये सारे मोड दिया है। जैसे मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये क्या है, ऑटो मोड में अभी क्या क्या चीज़ है, इतने चीज़ें को आप ऑटो में चला सकते हैं, इसलिए दिया गया है। आप सेमी ऑटो में भी रख सकते हैं, जिसमें आप क्या होता है, सेमी ऑटो में आप रखेंगे तो यहाँ से आप कमांड दे सकते हैं, और ऑटो में रखेंगे तो आपको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सारा चीज़ें जो है ऑटोमेटिक चलते रहता है। उसके बाद से इनिशियल कंडीशन है कि मतलब ये जो कंडीशन किस लेवल पे है, लोकल में है कि रिमोट में है, जैसे यहाँ पे दिख रहा लोकल रिमोट, यानी कि आप लोकल में रख रहे हैं तो आप सिर्फ पैनल के साइड से ही ऑपरेट करा सकते हैं, और रिमोट में रखेंगे तो आप चाहें तो यहाँ से सेमी ऑटो में रख के चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटो मोड में ये जो है सेमी ऑटो और ऑटो, तो सेमी ऑटो में आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मैनुअल सेटिंग है कि आप मैनुअली आप इसको किसी भी चीज़ों को ओपन करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप वॉच पंप को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑन और ऑफ हो जाएगा। उसके बाद से PLC इनपुट और आउटपुट है, जैसे ये हमारा PLC होता है उसका कैसे यहाँ पर डिजाइन दिया गया है ये बिल्कुल आसानी से आपको समझाया गया है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे ऑटो सेटिंग क्या है। अब देखिए ये जो है कलर से समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट और स्टॉप है, साइकिल को हमें स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, जैसे मैं हमारा SBR में अंदर क्या चल रहा है, साइकिल को स्टार्ट करना है कि नहीं है वो दिया गया है। जैसे साइकिल स्टॉपेड रहेगा तो कलर आपको जो देगा रेड कलर का देगा, और साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ग्रीन कलर में शो कर देगा। तो ये भी बहुत सारा इजी है, जैसे आप ये पढ़ेंगे सारे चीज़ें तो उस चीज़ों को आपको किस मोड में रखे हैं ये पता चल जाए, क्योंकि कलर कोडिंग भी दे दिया, बहुत इजी है। और साथ ही में आपको टाइमर सेटिंग होता है, क्योंकि मेन टाइमर का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आपके SBR जो है STP प्लांट है उसमें क्या चाहते हैं, आपके जो भी स्टेप होता है यहाँ पे दिया गया है वो स्टेप कितना देर तक चलाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें को आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है वो फिक्स रहता है आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे अभी ब्लोअर सेटिंग पे, और ब्लोअर के यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा हेल्दी और अनहेल्दी है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे मैं रेड कलर में है को सिलेक्टेड अभी नहीं है, और सिलेक्टेड जो है वो ग्रीन कलर में है, हम लोग उस चीज़ों को यहाँ पे ऑपरेट करा सकते हैं, वो चीज़ों को यहाँ पे शो करेगा। बहुत ईजी है, बस आपको पढ़ना है। लास्ट में अब एक अलार्म है, और अलार्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लांट में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, ये सब सारा हिस्ट्री जो होता है अलार्म के अंदर ही दिखाता है। अभी हमारे पास कोई भी अलार्म नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है, शायद इसलिए अभी यहाँ पे कोई अलार्म नहीं शो कर रहा। ये अलार्म्स हो गया यहाँ पे, और उसके बगल में एक अलार्म्स हिस्ट्री रहता है, और कोई अलार्म्स आता है तो वो चीज़ें आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे अभी देखिए कोई भी अलार्म नहीं दिखा रहा, शायद होगा अलार्म होगा ही होगा, पर अभी क्या है थोड़ा टाइम ले रहा है ये अपडेट होने में, जिसकी वजह से अभी आप
आपको शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक हो आपके पास जिस पे चाहते हैं कि आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।